नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी दर्शकों का इसरो के एक महत्वाकांक्षी गगनयान परियोजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण परीक्षण मिशन में, जिसमें विशेष रूप से विकसित यान द्वारा मानव अनुकूल वातावरण वाले क्रू मॉड्यूल, जिसमें बैठकर एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। वर्तमान में यह मानव रहित क्रू मॉड्यूल के एस्ट्रोनॉट आपातकालीन निष्कासन प्रणाली की वास्तविक स्थिति में परीक्षण किया जा रहा है। मैं विकास स्वर्णकार इस मिशन का विवरण हिंदी में प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे साथ है इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी। हम यहाँ मिशन नियंत्रण कक्ष से आप तक सारी जानकारियाँ साझा कर रहे हैं। परीक्षण यान, जिसका नाम है TVD-1, इसका प्रमोचन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार 8:45 पर निर्धारित किया गया है। यह मिशन एक उपग्रह प्रमोचन मिशन न होकर गगनयान के पूर्ण विकास हेतु परीक्षण मिशन है। यह तो सर्वज्ञात है ही कि जिस यान में मानव सफर कर रहे हों, उसकी विश्वसनीयता सर्वोच्च तथा सर्वोपरि है। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के लिए इस परीक्षण की अभिकल्पना की गई है। यान में किसी तरह की आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर क्रू मेंबर्स को किस तरह सुरक्षित पृथ्वी की सतह पर वापस लाया जाएगा, यह इस परीक्षण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब आपके सामने प्रस्तुत है संक्षिप्त कर्टेन रेजर वीडियो इस मिशन से। उड़ान से 17:18 की दूरी पर हैं। उल्टी गिनती, कुछ अंतिम गतिविधियों के पश्चात हम देखेंगे T-6 सेकेंड्स पर TVD-1 को प्रज्वलित किया जाएगा। अब आप देख, सुबह यहाँ काफी बारिश हुई, लेकिन अब मौसम साफ है। वेदर हियर एट श्रीहरिकोटा इज पार्टली क्लाउड। इंजन वाला प्रथम भाग है। इस एक चरणीय यान की कुल ऊंचाई 34.95 मीटर है और कुल भार 44 टन है। इस परीक्षण यान कुल ऊंचाई 34.95, लेकिन परीक्षण यान की ऊंचाई 19.5 मीटर है। इसके ऊपर में 12.5 टन का क्रू एस्केप सिस्टम लगा हुआ है, जो कि 4.5 टन भार वाले क्रू मॉड्यूल को आच्छादित किए हुए हैं। क्रू एस्केप सिस्टम में मुख्यतः 5 प्रकार के क्विक एक्टिंग सॉलिड मोटर्स लगे हुए हैं। इन्हें क्रू एस्केप जेटिसनिंग मोटर, हाई एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड एस्केप मोटर, लो एल्टीट्यूड पिच मोटर्स और हाई एल्टीट्यूड पिच मोटर्स कहा जाता है। यह सभी मोटर निश्चित ऊंचाई और प्रयोजन में कार्य करने के लिए इनके साथ संलग्न हैं। इन सभी का कार्य आपातकालीन स्थिति में क्रू मॉड्यूल को यान से अलग कर सुरक्षित दूरी पर ले जाना है। क्रू एस्केप
crew module and the crew escape system stand giving way to subsequent parachute release. At this point of time, crew module is descending at Mach 0.55. T-minus 2 minutes. Apex cover is decelerated with its own pair of parachutes. Drogue chute reduces the velocity of crew module from 145 meters per second to 51 meters per second. This deployment takes place at an altitude of 16.7 kilometers. Pilot parachutes then deploy, whose function it is to aid the deployment of main parachutes. These deployments take place at an altitude of 2.5 kilometers. This is a real-time decision based on altitude. In the following 236 seconds, the crew module would have slowed down to about 8.5 meters per second velocity, that is just about right for a safe touchdown. ISRO, in coordination with Indian Navy team, will recover the crew module after touchdown, approximately 10 kilometers from Sriharikota coast. अब हम उड़ान से एक मिनट की दूरी पर टी माइनस वन मिनट क्रू मॉड्यूल को बंगाल की खाड़ी में माइनस 50 सेकंड्स उसकी लोकेशन डिटेल्स प्रेषित की जाएगी और माइनस 50 सेकंड्स और उससे सुरक्षित दूरी पर क्रू मॉड्यूल पायरोज आर्म्ड माइनस 45 सेकंड्स नौसेना के पोत तैनात हैं माइनस 40 सेकंड्स अब हम कुछ ही सेकंड्स माइनस 35 सेकंड्स प्रज्वलन देखेंगे टीवी D1 का माइनस 30 सेकंड्स वीएसपीपी ओपन रियल टाइम प्रोग्राम्स एक्टिवेटेड माइनस 25 सेकंड्स माइनस 20 सेकंड्स माइनस 15 सेकंड्स 10 9 8 7 6, 5, 4. There is a hold. We will come back shortly.